ऐसे वाले प्लैंक्स लगाने थे लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। काफी बड़ा मॉल है और काफी अच्छा भी, बहुत ही सुंदर है, मतलब ग्लॉसी फिनिश में। इसने लॉन्च हुआ था ना उसी दिन मुझे पसंद आ गया था। इनकी 10 साल की मतलब है। जो कि काम आएंगी ठंडे इलाकों में। तो आज सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई, रात पर खूब सारी बारिश लगी है, काले काले से बादल लगे हैं। अभी को ले आए हैं एक हेलीकॉप्टर। अरे गिर गया, उड़ ही नहीं रहा हवा में, नीचे रखे उड़ा ना, उठाते रहे उसको। ड्रोन नहीं रहा था वैसे। ड्रोन तो ये तो नकली है ना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। आज अपने वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7 बजे से और नजारे देखिए सामने के, सूर्य बस क्षितिज के आखिरी छोर पे है। तो एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत से नज़ारे अपने ड्रोन के व्यू से। बाकी यहाँ शहरों में अभी बहुत सारा काम था, मुझे सामान वगैरह लेना था लेकिन आज के दिन पे कुछ भी काम नहीं हो पाए। यह है अगला दिन और पूरे 24 घंटे के बाद मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। लगभग शाम के 7 बजने वाले हैं और रात को तो खूब सारी बारिश लग रही है, कभी कभी मौसम बिल्कुल सही है और खूब सारी उमस भी हो रही है, तो ऐसे में कुछ भी काम करने को नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ घर पे अपना बिजली का जो भी सामान है सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये भी पूरा घर तक ले जाना है। अभी आज मुझे जिया जी और दीदी को जाना था वैसे ऋषिकेश स्टाइल्स वगैरह पसंद करने के लिए, लेकिन आज है बृहस्पतिवार तो वहाँ मार्केट क्लोज रहती है। तो अब सोच रहे हैं कि आज का दिन का थोड़ा सा यूज़ करा जाए और अभी चलते हैं पास में एक शोरूम है टाइल्स वगैरह देखने के लिए। लास्ट टाइम जब घर बन रहा था तो यहाँ पे हमने फर्नीचर वगैरह देखे थे, आज यहाँ पे टाइल्स वगैरह देखेंगे। यहाँ पे वैसे सैनिटरी फिटिंग का भी सारा सामान मिलता है। रेट वगैरह पता करी, पूरा एस्टिमेट ले लिया है सामान का। तो यहाँ पे हमने दो कंपनी की सैनिटरी फिटिंग का रेट भी पता करा, एक तो जगुआर का और फिर दूसरी कंपनी थी, थोड़ा बहुत ही अंतर था, ज्यादा नहीं था। अब देखते हैं, घर वालों से भी बात करनी है, उनको डिजाइन दिखाने हैं, टाइल्स वगैरह हमने पसंद कर दी हैं थोड़ी बहुत, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। खर्चा बस एक ही बार होता है, सोच रहे हैं कर ही लें इस बारी, पर एक चीज़ होगी है, मैंने एक चीज़ पता करी, जो पुरानी वाली टाइल्स हैं उनके मैचिंग वाली टाइल मिलना ज़रा मुश्किल सा लग रहा है। अगर नहीं मिलेंगी तो फिर सारी टाइल तुड़वा के उन जगहों पर नई टाइल्स लगानी पड़ेंगी। चलो जी अभी आए हैं मॉल ऑफ देहरादून, नया मॉल खुला हुआ है। चलो जी मॉल ऑफ देहरादून में खूब सारी चीज़ें देख ली हैं, काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी अच्छा भी। और अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा भीड़ कम है क्योंकि रात के 9 भी बज चुके हैं, बस देखने के लिए आए थे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और मुझे याद है कि आज से करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ देहरादून में पैसिफिक मॉल में आया था शायद, तो उस समय मैंने देखा था, मैंने कहा ये भी एक दुनिया है, मतलब पहाड़ से कोई पहली बार जब मॉल में आता है ना तो ऐसे ही लगता है। और ये वाला मॉल तो खुद मैंने बनते हुए देखा है क्योंकि कई बार हम इस रास्ते से आते जाते थे तो यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग बनती थी, हम बोलते थे कुछ बन रहा होगा। चलो जी अब मॉल में आए हैं तो कुछ खा पी लेते हैं, वैसे घर पे जाके खाना ही है लेकिन यहाँ आके खाने का तो कुछ अलग ही मजा रहता है भाई। मॉल में जाके तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं रहता है भाई, कब अंधेरा हो गया, कब टाइम बीते जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन, अभी दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और अभी हमें मार्केट जाना है फिर से कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। हो सकता है आज कल हमने जो सामान देखा उसकी डील डन कर दें और कल शायद मैं यहाँ शहरों से पहाड़ों की तरफ निकल जाऊँ। सबसे पहले अभी हमको जाना है कैमरा मार्केट देहरादून वाली शॉप पे, जिससे मैं परसों गया था अपना ड्रोन दिखाने के लिए। मैंने वहाँ पे ड्रोन दिखाया, उसकी प्रॉब्लम का तो पता लग नहीं पाया, उन्होंने कहा कि छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक बारी, तभी प्रॉब्लम का पता लग पाएगा। और मैंने फिर बोला कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने उतने अच्छे रेट नहीं बताए, तो मुझे लगा कि अपने पास रहेगा तो बढ़िया है। बाकी अभी हमको वहाँ पे जाना है, दीदी के एक दो माइक हैं, एक ये DJI का है, एक रोड का है पुराना वाला, ये वाला इसके अंदर दो माइक हैं, तो इनको सेल करने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी हो गया है और कुछ नए माइक ट्राई करेंगे। दिन के टाइम पे भी इतना भयंकर जाम लगा हुआ है बाहर की क्या ही बोलें भाई, और ऐसे में बाइक में चलना आसान नहीं होता भाई, पूरी मौसम की मार पड़ती रहती है।
चलो जी, यहाँ पे डील तो डन हो गई है। दोनों माइक दे दिए हैं। एक माइक की कंडीशन थोड़ा खराब थी, मैंने अपने लिए यहाँ से GoPro की बैटरी ली है दो, जो कि काम आएंगी ठंडे इलाकों में, और साथ ही एक सेल्फी स्टिक करके जो कि GoPro लगाने के काम आएगा। अगर ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो काफी काम आती हैं चीजें। अब हमारे कैमरा गियर्स का सीन ऐसा है कि हम अगर कुछ महीने इनको यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है भाई। मतलब कि आज अगर हम जो चीज 10,000 की लेते हैं, 6 महीने के बाद उसको बेचने जाओ तो 3-4 हजार रुपए भी मुश्किल से मिलेंगे। अब दीदी के दोनों माइक तो हमने दे दिए हैं, अब नया माइक लेना है। एक नया आ रखा है हॉलीलैंड लार्क M2 करके। बाकी बाहर निकलते ही देखा तो सामने से मौसम पूरा गड़बड़ होने लगा है, काले काले से बादल आ गए हैं। चलो जी, पहुंच चुके हैं कैमरा मार्केट की शॉप के पास में, पता करते हैं एक बार माइक मिलता है या नहीं। चलो जी, एक शॉप पे गए, वहाँ पे पता करा, वहाँ तो मिला नहीं, पर दूसरी शॉप पे जो अपने काम की चीज थी वो मिल चुकी है। फाइनली हमने एक नया माइक ले लिया है, ये है हॉलीलैंड का लार्क M2, जिसने लॉन्च हुआ था ना उसी दिन मुझे पसंद आ गया था, और साथ ही एक छोटा सा ट्राइपॉड भी लिया है, ये है सुजान वजह का। बाकी बाहर बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी है, और देहरादून का क्लॉक टावर देखिए, दिन के अभी 3 भी बज चुके हैं। तो बाहर हो रही है बहुत गर्मी, ऐसे में ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ चला गया भाई। गाड़ी से जैसे ही बाहर निकलो तो इतनी गर्मी का एहसास हो रहा है कि क्या ही बोले भाई। शहर में चाहिए अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, और खूब सारे पैसे हो भाई, नहीं तो यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है भाई। तो चले जी, अब इस नए माइक को ना टेस्ट करके देखते हैं कि इससे ऑडियो क्वालिटी कैसे आती है, देखते हैं ये कैसा काम कर पाता है। अगर अच्छा करेगा तो क्या पता मैं भी अपने लिए ऐसा ही वाला माइक ले आऊं। चलो जी, माइक के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर मैनुअल है, जिसको तो कोई नहीं पढ़ता है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये बॉक्स है, बड़ा सा, बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा हथेली में आ रहा है, और ये दो छोटे छोटे से रिसीवर है, बिल्कुल छोटे छोटे से भाई। तो ये है लाइटनिंग वाला, जो पुराने एप्पल वाले फ़ोन में लगता था, और ये है टाइप सी वाला, बिल्कुल छोटा सा। बाकी इसके अंदर ये हैं असली माइक, बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल एक कॉइन के बराबर हैं, बिल्कुल हल्के हल्के। ये दो माइक हैं, और एक ही यहाँ पे रिसीवर है जो कि कैमरा वगैरह पे लगाने के काम आता है, तो इसका तो हमारे पास कोई काम नहीं है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है हॉलीलैंड लार्क M2 वाले माइक से। ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है आप लोग बताइए। अभी सही टाइम है इसको टेस्ट करने का, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है झमाझम वाली, तो बारिश की नॉइस भी इसमें आ रही होगी। इसमें नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर भी है। चलो जी, माइक की टेस्टिंग तो हुई पूरी, माइक अच्छे से काम कर रहा है, उसका हमने बहुत सारा टेस्ट कर दिया, विंड नॉइस वगैरह का फीचर भी ऑन करके देखा। बाकी अभी हमारे साथ मार्केट दीदी भी आएगी सामान वगैरह को चूज करने के लिए, आज यहाँ के सारे काम निपटा दूंगा। अब आज दीदी है अपने साथ, तो टाइल का फाइनल कर देंगे कि कौन से कलर की टाइल हमको लेनी है, कौन से डिजाइन की लेनी है। अब ये है ना, सभी की पसंद मैच होनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। वैसे ना, मुझे फ्रंट वाली वॉल पे ऐसे वाले प्लैंक्स लगाने थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। दीदी को भी पसंद नहीं आ रहे, और पापा जी को तो इनसे सख्त नफरत है, वाली वुडन वाला चाहिए ही नहीं। आ रहे, मुझे पसंद आ रही है, लेकिन मैं इमेजिन कर रही हूँ ना कि पूरा अगर उस पे लगेगा तो उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा, आई थिंक। बाकी यहाँ से ये वाली टाइल हमने चूज करी है, बहुत ही सुंदर है, मतलब ग्लॉसी फिनिश में। तो चले जी, आज के मार्केट के सारे काम पूरे हो चुके हैं, टाइल्स वगैरह चूज कर दी हैं, और अब कुछ दिनों में यहाँ से ट्रक में लोड होके घर तक पहुँच जाएंगी, और कल सुबह सुबह मुझे यहाँ शहरों से पहाड़ों की तरफ निकलना है। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड है।